हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम जा रहे हैं रामपुर से अपने घर की तरफ को। और भाई गर्मी वाला मौसम हो रहा है तो भैया शर्ट उतार के अपनी गर्मी के बैग में टी शर्ट में बाइक चला रहे हैं मस्ती से एकदम। अरे ताऊ क्या चाह रहे हो भैया, क्या चाह रहे हो? ओए होए मेरा यार, कौन है भाई? बड़ा धक्का लगा के जा रहा मेरा यार। पड़े चलो हेल्प करते थोड़ी। आगे तो छोड़ दूंगा, आगे छोड़ दूंगा ये तो। आप कैसे छोड़ोगे? पैर लगा लेते हैं, जाते चलते वाते चलते। पैर लगा दूंगे। यहाँ तक चलेगी, वहाँ तक चले जाए। स्टार्ट हो गई, कर ली अभी। पेट्रोल वगैरह डलवाया ना, इसको स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं हो रही थी। वही सेम प्रॉब्लम, धुआं दे रही थी। अच्छा अच्छा भाई साहब, 3.5-4 किलोमीटर ढकेली। अच्छा, बाईपास था वहाँ पर, कहीं कुछ नहीं मिला। लास्ट में आके एक भैया को बुलाया फ़ोन करके, वो 10 किलोमीटर दूर से वो आए, जुगाड़बानी करके बुलवाया उनको। वहाँ से वो धक्का लगा के जब शाहीन बाग छोड़ के आए, वहाँ पर प्लग डलवाया और गाड़ी एक किक में स्टार्ट। भैया आप मैकेनिक हो क्या? नहीं मैकेनिक नहीं भाई। तो मेरे बिना आप बाइक लाए थे कहीं? नहीं, मैं दिल्ली से आया था तो बाइक लेकर आया था दूसरी। अच्छा, किसी और की लिए? हाँ किसी और की लेकर आया था, घर पहुँचाने के लिए। अब आप ये बाइक मैंने बनाई है। बहुत अच्छी, मुझे समझ में नहीं आ रही है कौन सी। सीरियसली ये पैशन ऐसा नहीं है ना यार, कितना डिफरेंस। बस ये नया वाला आपके पास जो है ना, ये नया मॉडल है मेरा, ये 2003 का मेरा नोका है। अच्छा, इसका टूल्स तो होगा नहीं है? टूल तो होगा नहीं, कोई प्लग वाला, क्योंकि प्रॉब्लम जो है प्लग नहीं लग रही आई थिंक। हाँ चाचा, पेट्रोल की ना? हाँ चाचा, मोबिलाल ये काला धुआं दे रही है, इसका मतलब है ये ना धुआं नहीं, एक्चुअल में क्या है? चलो बेस्ट भी कम आ ही जाता है। पहले मैंने भैया को देखा, भैया धक्का लगा आ रहे थे, देख रहे थे कोई आके इनकी हेल्प कर दे। अब थोड़ी देर हमने गाड़ी में इनकी धक्का लगाया, अब हमारी गाड़ी का इंजन हो गया। अब हम दोनों बैठ के देख रहे हैं कोई हमारी गाड़ी में धक्का लगा दे। भाई साहब जेब में टैक्स करने का फायदा नज़र आया है।
कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा आदमी, कहीं ना कहीं सेटल कर ही लेगा। नहीं लग की ही प्रॉब्लम है, लग ऑयल पकड़ रहा है क्या? हाँ, वो नीचे से खुल के जब साफ होगा जब चलेगा तो ऑयल ख़त्म तो नहीं हुआ होगा इसमें? हो भी सकता है। लग खुल के ही होगी, टूल वगैरह कोई हो। उस भाई की मदद करने के बाद बड़े सुकून से घर पहुँचे, गाड़ी को अपनी लाद कर बैटरी रिक्शा में, फिर उसके बाद लाद कर बबलू मिस्त्री की दुकान पर छोड़ा जहाँ हमारी गाड़ी का इंजन खुला पड़ा है। भाई साहब पिस्टन कुछ खतरनाक हो रही है इसकी, देखने लगा तगड़ा चीज मारी है भाई, 50 की है मतलब 75 की डलेगी, दो बार इंजन हो गया। चलो कोई नहीं, दूसरे का भला करते रहो। उम्मीद करते हैं कि भाई जो था जिसको हमने हेल्प की थी थोड़ी सी, कि वो घर पहुंच गया हो अपने। एक्चुअल में सिचुएशन ऐसी थी कि ना ही मैं उसका कॉन्टेक्ट नंबर ले पाया ना ही वो, तो उम्मीद करते हैं भाई अगर आप वीडियो देख रहे हो ना तो कमेंट करके एक बार ज़रूर बता देना कि आप ठीक ठाक पहुँच गए बस। ओके, ऑल द बेस्ट।